आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या इन दिनों चर्चा में है और इसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। माफिया ब्रदर्स की हत्या को उनके वकील ने राजनीतिक हत्या करार दिया है। वहीं अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है। बता दें कि पुलिस कस्टडी में हुए हत्या को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। वहीं आयोग ने उत्तर प्रदेश डीजीपी और प्रयागराज सीपी से एक महीने में जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि रिपोर्ट में हत्या के सभी पहलुओं जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल की जांच और मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट शामिल किए जाने की बात कही गई है। वहीं बता दें कि माफिया ब्रदर्स के तीनों शूटर को एसआईटी की टीम को आरोपियों की 4 दिन की रिमांड मिल गई है, जिसके बाद पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ करेगी और देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या कुछ सामने आता है। बता दें इस पूरे मामले पर अभी भी कुछ आरोपी फरार चल रहे हैं, जिसमें गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता प्रवीण लंबे समय से फरार चल रही हैं, जिसको लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। बता दें कुछ दिन पहले असद का एनकाउंटर हुआ था। वहीं बीते शनिवार को प्रयागराज में बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। प्रयागराज में जहां अतीक अहमद और भाई अशरफ को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें कि इस पूरे मामले पर अब जो 3 आरोपी थे उनकी रिमांड एसआईटी को मिल गई है, जिसके बाद एसआईटी पूछताछ करेगी और देखने वाली बात यह भी रहेगी कि क्या कुछ सामने आता है। बता दें इस पूरे मामले पर लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में एनएचआरसी को नोटिस बता दें माफिया ब्रदर्स के तीनों शूटरों से पूछताछ करेगी एसआईटी। बता दें प्रयागराज में बीते शनिवार को बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। माफिया अतीक अहमद और अशरफ को 3 आरोपियों द्वारा गोली से मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ को मेडिकल के लिए लाया गया था, उसी वक्त इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल देखने को मिल रहा है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। भाजपा से हमारे साथ शफात हुसैन जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। वहीं सपा से हमारे साथ विवेक पांडे जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी। आप सभी का प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत शफा जी आपसे करना चाहूंगी। शफा जी, माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की बीते दिन गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, इस पूरे मामले पर लगातार एक्शन जारी है, क्या कहना चाहेंगे आप? सभी आपके चैनल से सभी भाइयों को धन्यवाद, नमस्कार करता हूं। और मैं देखिए, जो ये घटना हुई, जो शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत हुई इससे पहले जो इस राजू पाल हत्याकांड में जो कवाद थे उनकी हत्या से इसकी शुरुआत हुई है, जिसमें अतीक अहमद और ये जो माफिया गैंग, जिनको आप माफिया ब्रदर्स बता रहे हैं, इनका बेटा था असद, उसका फोटो एक फिल्मी स्टाइल में एक वकील की हत्या करते हैं, गवाह की हत्या करते हैं, उसके बाद भी सारी प्रक्रिया पुलिस के द्वारा शुरू होती है। और जो इसमें जो मारा गया, एनकाउंटर हुआ था माफिया ब्रदर्स का लड़का असद, उसको झांसी में इसका एनकाउंटर किया गया, इसके ऊपर 5 लाख का ये इनामी था। और उसके बाद जो है, जो अतीक और अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए जो ले जा रहे थे हॉस्पिटल में, जो ये घटना हुई और पुलिस कस्टडी में जो इनकी घटना हत्या की गई, क्योंकि एक जो लोग भी इसमें शामिल थे वो तो जांच चल रही है और हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच कर रही है। हमारे मंत्री जी ने 2 SIT टीमें भी इसमें गठित कर दी गई है और तीनों आरोपियों ने वहीं पर आत्मसमर्पण कर दिया था, पुलिस ने उनको लेकर के उनसे पूछताछ चल रही है।
और भी अभी तक जो भी इसमें होंगे जिनके माध्यम से ये आए हैं, जिस किन किन कौन कौन लोग शफाक जी, ऐसी घटना हुई जिसने कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। जी मैम, आपकी बात सही है, कानून व्यवस्था की पे सवाल खड़े किए हैं, लेकिन आप देखिए कि अगर एक गैंगवार जैसे होती सामने से कोई शूटर होते, जो शूटर थे जो जिन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की वो मीडिया के भेष में, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो मीडिया के भेष में थे। अब आगे आने वाले समय में और सतर्क रहना होगा कि कोई भी जो है मीडिया का कर्मी किसी बड़े राजनेता के करीब ना जाए, है ना, कोई भी अपराधी अगर उस दिन मीडिया के भेष में पहुंचे, इससे पहले वो तीन दिन से रेकी कर रहे थे, कि मीडिया के भेष में वो लोग आए थे, ये सर उससे पहले वो तीन दिन से रेकी कर रहे थे। देखिए रेकी करने वालों को कोई नहीं पहचान सकता कि ये रेकी कर रहे हैं, तो जांच के बाद विषय आया कि ये लोग रेकी कर रहे थे, लेकिन ये जो जब हत्या हुई उस वक्त वो मीडिया के भेष में थे। अब किसी भी मीडिया वाले को अगर पुलिस वाले धक्का देकर के भगाते तो मीडिया पुलिस पर आरोप लगता कि देखिए हुई। और रही बात कानून व्यवस्था की, तो आपको मैं बता दूं कि इससे पहले की जो सरकारें थी वो किस तरह से कानून व्यवस्था जो है कि धज्जियां उड़ाई जाती थी। पूरे मामले पर अब याचिकाएं भी दाखिल कर दी गई हैं, सीबीआई की मांग की जा रही है। मैडम मेरी बात को पूरी हो जाने दीजिए। मैडम मुजफ्फरनगर की 2015 की एक घटना है, और उसमें जो सरकार उस समय थी उसके प्रवक्ता बैठे हुए हैं अदालत के अंदर, जज के सामने एक अपराधी की अदालत के अंदर 2015 में हत्या कर दी गई थी मुजफ्फरनगर के अंदर, और 2012 से लेकर के 17 तक और उससे पहले अगर ये जो क्या कहते हैं पोषण इनका होता था, जिन माफियाओं का पोषण करने वाली जो सरकारें थी, अगर उन्होंने इनका अपराधियों का पोषण न किया होता तो इस तरह से जो ये प्रदेश था, ये अपराधी गुंडा माफियाओं जो है इस प्रदेश को चलाते थे, उस चीज को खत्म किया जा रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हत्या हुई, हत्या होने के बाद एक प्रक्रिया लंबी चलती थी, अपराधी फरार रहते थे और मौज मस्ती किया करते थे, लेकिन योगी सरकार में कानून व्यवस्था जो आरोप लगाया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा, ये इनका धर्म है आरोप लगाना, लेकिन मैं साफ तौर पे कहूंगा कि कानून जो है अगर कोई सर जिस तरह से हत्या कर दी गई वो तो नहीं सही है ना, भले वो अपराधी थे, सरकार तत्काल उसका रिजल्ट देती है और उत्तर प्रदेश की पुलिस भी तत्काल रिजल्ट देती है। सर बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से हत्या की गई वो तो नहीं सही है ना। सरकार जो है वो पुलिस प्रशासन को अपने दबाव में काम नहीं कराती है कि नहीं साहब ये हमारा वोट बैंक है इनको छोड़ दिया जाए, ये हमारा वोट बैंक है इनके लिए कुछ ना किया जाए। अपराधी होता है भारतीय जनता पार्टी सरकार में, वो चाहे किसी भी जाति और किसी भी धर्म हो, इसलिए तुरंत तत्काल जो है हमारी केंद्र सरकार ने भी इसको संज्ञान लिया और तुरंत मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान इसको ले रहे हैं। हर पल पल की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के टेबल पर पहुंच रही है और एसआईटी की टीमें गठित की गई है जो जांच कर रही है, और तीनों अपराधियों से बड़ी सख्ती के साथ पूछताछ की जाएगी और बहुत जल्द ही इस हत्या का खुलासा हो जाएगा इसमें कौन लोग शामिल है इसमें, क्योंकि अतीक अहमद ने खुद स्वीकार किया कि उसके संबंध जैसे मोहब्बत से थे, हो सकता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने। जी ठीक है, सपा से हमारे साथ विवेक जी भी हैं। विवेक जी मैं आपके पास आऊंगी। प्रयागराज में बीते दिन बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, अतीक अहमद और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया गया, वहीं अब एसआईटी को 4 दिन की रिमांड मिल गई है, आरोपियों की पूछताछ वो करेगी, क्या कुछ सामने आ सकता है? हमारे निष्पक्ष जो सर बैठे हुए हैं उनको भी विशेष प्रणाम समर्पित करता हूं, सारे उपस्थित पैनलिस्टों को। देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ सोचना पड़ेगा कि मीडिया पे ठीकरा फोड़ दिया गया इस हत्या का, इसके पहले फोड़ दिया गया विपक्षियों पे। भाई जब दूसरों पे ठीकरा ही फोड़ना है तो मुझे समझ में एक बात नहीं आ रही कि सरकारी अमला जो है, सरकारी तंत्र जो है वो सरकार में बना किस लिए है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, नैतिक दायित्व तो क्या है, पहले तो ये सवाल स्पष्ट होता है होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको विपक्षियों को ही आरोपित करके समय काटना है तो मुझे लगता है कि मोदी योगी जी को त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि इस घटना के बाद जिस तरीके से विजय मिश्रा जो उनके अतीक के वकील है, अधिवक्ता है, उनकी गली में बमबाजी हो जाती है। गली में बमबाजी का मतलब क्या है, ठीक है उसको बताया गया कि दो लोगों का आपसी रंजिश थी, लेकिन 144 लगने के बाद भी बमबाजी तो हुई, इसको भी आप नकार नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं फेल है, बलात्कार करके जेल जाके फिर बाहर आने वाले, बताइए एक मासूम बच्ची को झोपड़ी में आग के हवाले कर दिया कि बच्ची झुलस गई, ये तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है। एक बच्ची पढ़ के आ रही थी उसको गोली मार दी, और ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था उत्तम चल रही है। भाई हो सकता है इनकी परिपाटी में कानून व्यवस्था उत्तम होगी, क्योंकि अपराध होने के बाद गोली मार देना यही इनकी कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। दूसरी बात पे आऊंगा,
क्या ये जो भाजपा के प्रवक्ता हमारे बैठे थे ये कानूनी संवैधानिक मानकों का अनुपालन करते हैं? मैं तो ये पूछूंगा, एक सवाल उठाऊंगा आज कि जिस प्रकार से न्यायिक अभिरक्षा में ट्रायल का, अंडर ट्रायल किसी भी कन्विक्टेड अपराधी का, क्या हथकड़ी लगाने का प्रावधान है? क्या मजिस्ट्रेट की अनुमति थी? और जिस तरीके से उनकी सुरक्षा को लेकर के 17 जवान गए जरूर थे, वही ऑटोमेटिक राइफल और ऑटोमेटिक पिस्टल्स मुझे नहीं लगता किसी भी सदस्य के पास थी, सब हाथ छोड़ करके भाग रहे थे, जो कि वीडियो में दिखाई दे रहा है, वो लगातार गोलियां चला रहे हैं, पुलिस वाले अचानक आके गोली चलाने के बाद जब वो सरेंडर करते हैं तो पीछे से पकड़ लेते हैं। ये जो पूरा प्रकरण है और ये जो लिफाफे वाला प्रकरण है, ये कहीं ना कहीं 2-3 दिन पीछे अगर आप जाएंगी, टाइमिंग बड़ा मैटर करती है। एक अग्रवाल बंधु जो गोरखपुर के हैं, जब से उनका नाम उजागर हुआ तब से ये सक्रियता काफी बढ़ गई थी जो मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगी तो इसमें कानूनी नियमों का, आईपीसी सीआरपीसी के नियमों का जम करके उल्लंघन हुआ। भाई रात में कौन सी मेडिकल होती है और मेडिकल की ऐसी कौन सी आवश्यकता थी कि उच्च अधिकारियों को सूचित किए बिना पुलिस लेके पहुंच गई? क्या मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति थी? सवाल उठते हैं, क्योंकि ये सवाल जब उठेंगे तो भाजपा की, क्योंकि भाजपाइयों की अधिकतर डिग्रिया संदिग्ध है, तो वो इस बातों को समझ नहीं पाते। ये टेक्निकल ट्रायल की बातें होती है तो इनकी समझ के परे हैं। ये केवल दो सुर लाते हैं, कानून व्यवस्था उत्तम है, बुलडोजर चल रहा है, कानून व्यवस्था उत्तम है, बुलडोजर चल रहा है। ये बात अलग है कि कानून व्यवस्था उत्तम इतनी है कि उस लिफाफे से सब डर रहे हैं, जितने भी इनके कनेक्शन है, इनके मंत्री की 5 करोड़ के लेन देन के आरोप लगे। क्या लगता है विवेक जी, उस लिफाफे से क्या कुछ सामने आ सकता है? मेरी बात आने दीजिए पहले। गुजरात में सुविधा शुल्क दिया गया था 5 करोड़ की, यहाँ के लिए हिस्सेदारी थी, ये इन्होंने नहीं बताया ना अपने मंत्री की जांच की। भाई जब एक गंभीर प्रकरण में किसी का नाम आया, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, आप बिल्कुल जांच कीजिए, न्यायिक जांच कीजिए। और कहीं ना कहीं मैं एक सवाल उठाऊंगा, ये जो इन्होंने 3 न्यायिक सदस्यीय कमेटी बनाई है, इसमें पूर्व जस्टिस आदरणीय विक्रम सोनी जी भी शामिल है, अगर मैं गलत हूं मुझे करेक्ट करिएगा, आदरणीय दिलीप भैया यहाँ बैठे हैं, शायद उनके सुपुत्र जो है वो इस समय स्टैंडिंग काउंसिल है, कई इंश्योरेंस कंपनियों के वकील भी हैं, सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं हाईकोर्ट में। क्या एक सरकारी वकील के कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कोई न्यायिक इस तरह की एसआईटी में कोई मानक में है कि उसको अपॉइंट किया जा सकता है? क्या ये निष्पक्ष जांच हो पाएगी? कहीं ना कहीं स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, तो मुझे लगता है इस पे भी एक सवाल उठेगा। रुक जाइए, अभी 1-2 दिन में ये सवाल भी उठने वाला है कि भाई जिसका, जो सरकार का हिस्सा है उसी के परिवार को कैसे आपने इस न्यायिक कमेटी का हिस्सा बना दिया, ये भी एक सवाल आएगा कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी सरकार है लीपापोती करने का प्रयास कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, एक आपने अपने मंत्री को क्लीन चिट दे दी 5 करोड़ के कनेक्शन पे जांच नहीं की, अगर अतीक अहमद के कोई भी कनेक्शन थे, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के हो किसी अपराधी के, अतीक अहमद एक चेहरा था लेकिन उसको पोषित करने वालों के नाम शायद उस लिस्ट में, उस लिफाफे के अंदर बंद है, जिसको सामने ना आने देने की मंशा पूरी तरीके से जगजाहिर है, क्योंकि जिस तरह से अतीक अहमद के वकील के अधिवक्ता की गली में बमबाजी की गई है और उन्होंने स्वयं सामने आकर के मीडिया के सामने बयान दिया है और पुलिस नकार रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। वो कह रहे हैं कि मुझे डराने का प्रयास किया जाए कि मैं पैरवी ना करूं, और पुलिस कह रही है कि ये दो लोग का आपसी विवाद था जिसमें की बमबाजी हुई, तो भी सरकारी अगर देखा जाए तो कानून व्यवस्था प्रश्न चिन्ह के घेरे में 144 लगी और बमबाजी हो रही है, ये कैसी 144 है भाई? तीसरी सबसे बड़ी बात है, इस पूरे प्रकरण की जांच मेरा मानना है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में होना चाहिए। सरकार की एसआईटी पे भरोसा करना मतलब समझिए अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट पे आप भरोसा रखिए ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्ट इसको अपनी मॉनिटरिंग में इसकी जांच करवाए, मेरी ये मांग रहेगी। जी ठीक है दिलीप जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से पूरा घटनाक्रम मीडिया के कैमरे में कैद हुआ, अतीक अहमद और अशरफ मीडिया से रूबरू हो ही रहे थे कि 3 हमलावर आते हैं और सर से गोली सटाकर मार देते हैं, तो क्या यह जैसे दिख रहा है बिल्कुल वैसा है या इसके पीछे कुछ और कहानी है, कोई बड़ा कनेक्शन है? अब ये तो मयूरी जी वही बता सकता है जिसने इस कहानी का डायरेक्शन दिया होगा। हमने तो पर्दे पे जो देखा है हम वो समझ पा रहे हैं, और पर्दे पे जो दिख रहा है, एक लिफाफे वाली बात आई थी, कहा जा रहा था कि ये उसका नाम है उस लिफाफे में, मैं आ रहा हूँ वो लिफाफे में बंद है क्या चीजें वो हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन हम जो स्टोरी हमारे सामने चल रही है उससे हम कयास लगा सकते हैं, उससे हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं और उससे हम सवाल खड़े कर सकते हैं। देखिए सवाल तो बहुत सारे खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े होने लाजमी भी हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, अगर पुलिस के संरक्षण में एक दुर्दांत नामी अपराधी जिसको जान का खतरा है ये पहले से पता था, उसके संरक्षण में अगर अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है तो कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त है ये अपने आप सिद्ध हो जाता है। उसके बाद पुलिस का कोर्ट में रिमांड ना लेना,
सोचिए कि पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना था, जरा जरा से केस में पुलिस रिमांड मांगती है कि इसको हमें दे दिया जाए, इस केस में पुलिस ने रिमांड ही नहीं मांगा, वो सीधे जुडिशियल कस्टडी में जेल चले गए। अब एसआईटी ने रिमांड मांगी है, पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं मांगी, ये भी बड़ा खड़ा सवाल खड़ा होता है। इसी कनेक्शन में उनके वकील के घर बम से हमला हो जाता है, ये भी सवाल खड़ा करता है। एसआईटी की जांच सरकार के द्वारा गठित कर दिया जाना, देखिए सरकार, पुलिस और सरकार, ये दो अलग अलग पहलू नहीं हो सकते, क्योंकि जब कोई माफिया मरता है, जब कोई बड़ा काम होता है और वो काम पुलिस करती है, तो उसका सीधा ठोक कर जो स्टेटमेंट दिया जाता है, उसके द्वारा नहीं दिया जाता है, वो नेताओं के द्वारा दिया जाता है, संबंधित सरकार के नेताओं के द्वारा दिया जाता है। तो अगर पुलिस से कोई काम गलत हुआ है तो उस गलती का सहरा कौन बांधेगा, वो भी सरकार के बांधेगा। और सरकार अगर अपने ही संरक्षण में समिति गठित करके उसको जांच कराएगी और सरकार की कहीं कोई कमियां होंगी तो जाहिर सी बात है वो उजागर नहीं हो पाएंगी। हम लॉ ड्रिवन सोसाइटी में रहते हैं मयूरी जी, कानून की एक खूबसूरती है कि कानून की बाध्यता जितनी क्रिमिनल्स के ऊपर होती है उतनी ही बाध्यता सरकार पे भी। दिलीप जी, एसआईटी पर तो विवेक जी ने भी सवाल उठाया है, आप भी कह रहे हैं, तो क्या आपको एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं? नहीं, मुझे सब जांचों पे भरोसा है, सब जांचों पे भरोसा है, जांच गठित इसीलिए करी जाती है। साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से गठित की गई है तो कहीं ना कहीं कमियां छुपा ली जाएंगी। सवाल गठित होने पर खड़ा नहीं होता है, सवाल उसके जो आने वाली रिपोर्ट होगी उस पर जरूर खड़ा होगा कि अगर सरकार की गलती है और सरकार ही कमेटी गठित कर रही है और अपने ही लोगों को कमेटी में बैठा रही है तो जाहिर सी बात है कि जांच निष्पक्ष होने में थोड़ी सी कमी या कहीं ना कहीं बायसनेस तो रह जाएगी ना। जब सीबीआई है और सीबीआई को इंडिपेंडेंट, हालांकि सीबीआई भी केंद्र सरकार के अधीन आती है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अधीन नहीं आती है, तो ये इंक्वायरी तो सीबीआई के द्वारा भी की जा सकती थी, या प्योरली जुडिशियल इंक्वायरी करवा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में करा लीजिए या हाईकोर्ट के निर्देशन में करा लीजिए। ये तो मांग उनके परिवार को भी करनी चाहिए, तो हम आम जनता की नजर से ये बातें कह रहे हैं। फिलहाल अतीक अहमद का मारा जाना समाज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ऐसा अपराधी था जो समाज के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ था, उसका मारा जाना अच्छा है, लेकिन उसके मारे जाने का जो तरीका है वो कहीं से भी उसको सही नहीं कहा जा सकता है, और ये समाज में बहुत गलत मैसेज दे रहा है। गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, या गुंडा अगर गुंडे को मार रहा है, अगर वो गैंग वॉर में मार देता है, आपसी गैंग वॉर में, तो बात अलग हो जाती, लेकिन पुलिस के संरक्षण में मारा जाना वो भी सेंसिटिव मैटर था, ये पुलिस को भी पता था, मीडिया में भी इतनी बातें हो रही थी। उसके बाद अगर पुलिस के संरक्षण में अतीक अहमद की हत्या हो जाती है तो ये कानून व्यवस्था पे सवाल जरूर खड़े करेगा। जी बिल्कुल, जी ठीक है। सफाद जी, आपने दोनों पैनलिस्ट को सुना, विवेक जी ने साफ तौर पर कहा कि आपकी कानून व्यवस्था फेल है, अपराध होने पर गोली मार दिया जाता है, यही आपकी कानून है, वहीं एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैडम, मैं विवेक जी पर सिर्फ एक, विवेक जी की बात पर मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था, और गुंडा राज का हाल ये था, मैं सिर्फ एक ही घटना बताऊंगा, ऐसे तो 150 दंगे हुए थे। 2015 में मुजफ्फरनगर में अदालत के अंदर ही एक अपराधी को गोली मार दी गई। उसके बाद कृष्णानंद राय जी की हत्या हुई, वो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई। अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां जो चली, वो भी मुख्यमंत्री जो उनके मुलायम सिंह जी थे, वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त, और मुलायम सिंह जी की एक फोटो वायरल हो रही है, जो अतीक अहमद उनके घर पर, अतीक अहमद के घर पर बैठे हुए हैं। अपराधियों से कहीं ना कहीं ये संरक्षण देते थे और उनका पोषण करती थी समाजवादी पार्टी सरकार। और दूसरी बात पर मैं ये कहूंगा कि जो एसआईटी गठित हुई है वो सरकार ही गठित होगी, सरकार के बाहर के लोग गठित नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी चीज, जो एसआईटी में जो अधिकारी और जो जो लोग लगाए गए हैं, जो लोग जो जो का लोग काम करेंगे, जो उस टीम में जो लोग हैं, उनका रिकॉर्ड क्या है? विवेक जी जाइए, उनकी उनकी पूरी सर्विस पीरियड का इतिहास पता करिए, वो बताइए आकर के इस जनता को, कितने ईमानदार लोग थे, किसकी की किसी से बगैर डर और बगैर भय के उन्होंने अपनी नौकरी की है। उन लोगों को एसआईटी की कमेटी में रखा गया है जो बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेंगे, यह मैं इस जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। एसआईटी की जो रिपोर्ट आएगी वो बिल्कुल निष्पक्ष आएगी और किसी के दबाव में एसआईटी काम नहीं करेगी, जिस तरह समाजवादी पार्टी के
शासन काल में और बसपा के और कांग्रेस के शासन काल में ये कमेटियां जो है दबाव में काम करती थी, निष्पक्ष रिपोर्ट आएगी। और दूसरा जो इन्होंने कहा कि अकीक अहमद की जो हत्या हुई उसका इन्हें दुख नहीं है, दिलीप जी ने जो कहा, देखिए हत्या होना और जुर्म होना एक अलग चीज है, एक अलग पहलू है, और उसके ऊपर कार्रवाई जल्द से जल्द होना, ये जो सरकार और जो शासन और जो पुलिस प्रशासन होता है ये उसका अलग पहलू है। कितनी जिस तरह से अगर वो लोग जो बता रहे हैं कि पुलिस की संरक्षण में हुई, मैं फिर एक बार दोहराना चाहूंगा कि आप देखिए कि वो जो अपराधी थे वो सामने से आकर के उन्होंने गोलियां नहीं चलाई, उन्होंने मीडिया के भेस में, उन्होंने मीडिया का भेस अपनाया और कैमरा लेकर के सामने आए, तब ये घटना हुई। अगर वो अपराधी अपने आप को आत्मसमर्पण ना करते और भागने का प्रयास करते और वहां पर अगर पुलिस के द्वारा गोलीबारी होती तो आप सोचिए कितने निर्दोष लोगों पर गोलियां होती और यही मीडिया आपके चैनल पर बैठकर तांडव कर रही होती कि देखिए किस तरह से गैंगवार हुआ और वहां पर गोलियां चली, कितने निर्दोष लोग मारे गए, तब ये इस पहलू को लेकर के बैठते। विपक्ष का काम सिर्फ जनता को बहकाना और उल्टे सीधे सवालों को ला करके जनता के सामने पेश करना, ये विपक्ष का काम है और ये अपना काम करते रहेंगे। सरकार ईमानदार है, सरकार अपनी ईमानदारी से और निष्पक्ष जांच कराएगी, ये मैं आपके चैनल से विश्वास दिलाना चाहता हूं। ठीक है विवेक जी, सफाक जी को आपने सुना, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखें। सफाक जी ने एक फोटो का विवरण किया, जिक्र किया, मुझे लगता है कि इस घटनाकांड में जितने भी शूटर थे उसमें अधिकतर शूटरों की फोटो वायरल हुई है इनके विधायकों के साथ, नेताओं के साथ, लेकिन फोटो इनको दिखाई नहीं देती है क्योंकि ये अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, इनका मर्यादित धर्म है। नंदगोपाल नंदी पे नहीं बोल रहे हैं ये कुछ, जो सोफे पे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं अतीक अहमद के साथ, और 5 करोड़ के आरोप लगे उस पर तो बिल्कुल ही मौन साध गए। कैसी ईमानदार सरकार भाई, कौन सी ईमानदार सरकार, आपको तभी समझ जानी थी पहली बार जेल में मुन्ना मजलंगी का हत्याकांड किया गया और उस पर जो एसआईटी ने रिपोर्ट दी, वो उस रिपोर्ट का आपने देखा, विवरण देखा कभी, उसको पढ़ा है आपने? एक समाजवादी जांच कमेटी बना दीजिए, जो कुछ हुआ वो गैंगवार था, सुन लीजिए, आपकी बात सुन लीजिए, एक जांच कमेटी आप बना दीजिए, मैंने सुन ली ना, शांति से सुनिए ना भाई, नंदगोपाल नंदी के औकात नहीं, किसी भाजपा प्रवक्ता की 2 शब्द बोल देने की, अपने नेता की जांच करवाने की औकात नहीं है कि लिया गया था उससे मुजफ्फरनगर दंगे, मुजफ्फरनगर आराम से आप अपनी बात रखिए। बीच में बदतमीजी कर रहे हैं, ये बीच में बदतमीजी कर रहे हैं, हमारी पूरी बात अपनी बात में दीजिए, ये सत्ता है ना कि विपक्ष है, ये सत्ता में है कि विपक्ष से पहले यही पूछिए, सत्ता के लोग तो हसाई तो जाते हैं मेरी बातों से, समझ में नहीं आ रहा है। शफात जी सुन लीजिए, मेरी बात आने दीजिए, तब पूछिएगा। फूलपुर के चुनाव में इसी अतीक अहमद को भाजपा अपना हनुमान बना रही थी, जेल से ट्रांसफर करवाया गया था, और किसके कार्यकाल में अतीक अहमद जेल गए थे, जरा ये भी बता दीजिए। मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था, आपने जवाब नहीं दिया था। एसआईटी को आरोपियों की 4 दिन की रिमांड मिल गई है, यही मेरा सवाल था कि अब क्या कुछ सामने आ सकता है। मैं तो कह रहा हूँ कि अतीक अहमद तो चेहरा था, उसको पोषित करने वालों के नाम तो उस लिफाफे में बंद है, लेकिन आरोप उस लिफाफे तो को मैं निवेदन करूंगा सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से कि उसको मीडिया में सार्वजनिक कर दिया जाए। सुन लीजिए, आप लोग करते हैं, सुन लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ कि मीडिया में उस लिफाफे के नामों को सार्वजनिक करिए, वो चाहे किसी के नाम हो, क्योंकि अतीक अहमद मात्र एक चेहरा, ये चेहरा बदल दिया जाएगा, एक नया बाहुबली और माफिया खड़ा कर दिया जाएगा। ये जो कानून व्यवस्था का दम भर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2 बेटियों की जान जीवन जिंदगी दांव पे लग गई, एक को गोली मार दी गई, एक को झुलस गई आग में बेचारी, गैंग रे के आरोपी बाहर थे, उसको पूरी झोपड़ी को आग लगा दी उन्होंने, और इनके जघन्य हत्याकांड, जघन्य इस तरह की घटनाओं के बाद भी ये कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहा है। अतीक अहमद किसके कार्यकाल में जेल गया था भाई, 100 से ज्यादा एफआईआर क्या इन्होंने कराई थी, भाजपा वालों ने कराई थी, क्या तक दे रही है और जो आने वाला निकाय चुनाव है, क्या इसमें कोई इसका फर्क देखने को मिलेगा? तरीका डिबेट करने का, ये एक माफिया की बात पर आप इतना विश्वास करेंगे? सुन लीजिए, जो जिसके ऊपर माफिया माफी हनुमान बनाया था फूलपुर के चुनाव में, भूल गए क्या?
अरे नंदी पे बोल दो, नंदी पे बोल दो, नंदी की जांच होगी या नहीं होगी ये बताइए। 5 करोड़ के कनेक्शन क्या थे? ठीक है, आपने नंदी को टिकट कैसे दी बिना किसी जांच के? शफाक जी, विवेक जी, नंदी के कनेक्शन पे क्यों बातें हैं कि उसका खुद अपराधी की इतिहास है? नंदी का बताइए, नंदी का अपराधी की इतिहास है कि नहीं है बताइए। जो जिनका भी अपराधी की इतिहास होगा वो सब सामने आएगा। अरे आपने नेता को बताओ यार, 5 करोड़ की जांच करोगे कि नहीं पहले बताओ। ठीक है, प्रदेश मिलेगा, गुंडा मुक्त प्रदेश मिलेगा। गुजरात में किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। 2 दिन पहले अग्रवाल बंजुओं का नाम गोरखपुर वाले आए, उसके बाद देखिए सारी कहानी बदल गई। सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी की तरह पोषण नहीं होगा, समाजवादी पार्टी की तरह पोषण अपराधियों का नहीं किया। ऐसा ना करें कि आपका ऑडियो डाउन करना पड़ जाए मुझे। अपराधियों को जवाब दिया जाएगा, दिलीप जी, जिस तरह से अतीक अहमद की हत्या की गई और जिस तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है और देखा जाए निकाय चुनाव भी पास है, तो क्या इसका असर कुछ देखने को मिलेगा? हेलो, पार्टी इस बात अपने पेपर में कैच कराने की कोशिश करेगी कि हमने अपराधी का सफाया कर दिया, हमने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर लिया। हालांकि भाजपा के प्रवक्ता अक्सर टीवी डिबेट में कह दे रहे हैं कि हमने आतंकवादी को मार दिया, हमने आतंकी को मार दिया, हमने अपराधी को मार दिया, और फिर वो भूल जा रहे हैं शायद वो उन्होंने नहीं मारा है, किसी और ने मारा है, लेकिन क्रेडिट ये उसका लेंगे कि हमने आतंकी का सफाया कर दिया है। और बाकी जो पार्टियां हैं या जो मुस्लिम पक्ष है वो पोलराइज होने की कोशिश करेगा इस बात को लेकर के, देखिए जाति विशेष को लेकर के, धर्म विशेष या एक समुदाय विशेष को लेकर के सरकार के द्वारा कार्यवाही करी जा रही है, तो समुदाय विशेष की तरफ पोलराइज हो जाए। तो ये जो राजनीतिक अल्टीमेटली हर चीज का जो इफेक्ट होता है वो राजनीति में ही देखने को मिलता है, और इस घटना का भी आपको फर्क राजनीति में देखने को मिलेगा, नगर निकाय चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा, फर्क किस तरफ पड़ता है ये आने वाला। जी ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बता दें अतीक और अशरफ के हत्याकांड को लेकर लगातार सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है, वहीं लगातार इस पूरे मामले पर एक्शन भी लिया जा रहा है। बता दें NHRC ने यूपी DGP और प्रयागराज CP को नोटिस भी जारी किया है, वहीं 1 महीने के अंदर इसका जवाब भी मांगा है। फिलहाल खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।